नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे 2 BHK दिखाने वाला हूँ। उल्वे के अंदर नवी मुंबई उल्वे लोकेशन पे काफ़ी बढ़िया 2 BHK है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। लगभग आपको 7-8 महीने पोजेशन के लिए लग जाएंगे। ऑलमोस्ट अभी सभी फ्लैट वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है, थोड़ा टचअप का वगैरह काम फाइनल बाकी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको फ्लैट भी समझ में आएगा। दोस्तों काफ़ी स्पेसियस है, इस वीडियो के अंदर हम प्राइस भी बता देंगे आपको, और जो एरिया वगैरह है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बिल्डिंग कैसा है, लॉबी कैसा है, पार्किंग वगैरह कैसा है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने एंट्रेंस गेट से। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्डिंग के सामने आपको 30 मीटर्स का रोड मिलता है। अभी इंटर करते अपने बिल्डिंग के अंदर तो इस टाइप का आपको यहाँ पे एंट्रेंस रहेगा। बारिश चालू है दोस्तों, फटाफट हम आपको दिखा देते हैं बाहर का जो एरिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइल्स वगैरह जो यूज़ किया है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको ओपन वाला पार्किंग रहेगा और इस साइड में अपना कुछ स्टैक पार्किंग भी है। यहाँ पे आपका एक स्टेयरकेस रहेगा और अपना पीछे भी कुछ स्टेयरकेस वगैरह पार्किंग वगैरह स्पेस है। और पीछे का भी अगर लोकेशन की बात करेंगे तो पीछे उसका सिड़कों का गार्डन है, दीवार के उस पार सिड़कों का गार्डन आता है। तो वहाँ पे भी आपको मेन खाली ओपन ही आपको व्यू मिलने वाला है। कुछ अभी काम जैसे मैंने बोला टचअप का काम चालू है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंट्रेंस लॉबी है काफ़ी प्रीमियम है, बड़ी इंट्रेंस लॉबी आपको यहाँ पे मिलती है, काफ़ी लग्जेरियस लगती है। जो टाइल्स वगैरह यूज़ किया है इंटरनल लॉबी के अंदर तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, प्रीमियम लगता है। तो चलिए हम ऊपर भी जाके देख लेंगे। इस साइड में अब अपना एक स्टेयरकेस आता है, अपना 2 लिफ्ट है, पावर बैकअप है और यहाँ पे भी एक स्टेयरकेस है। तो चलिए ऊपर जाके देखते हैं अपना फ्लैट कैसा रहेगा। तो हम अभी पहले सबसे पहले हम अपना फर्स्ट फ्लोर वाला जो जो भी एमिनिटीज हमें मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एमिनिटीज का अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। यहाँ पे उन्होंने बना के रखा है यहाँ पे अपना खेलने के लिए जो भी एमिनिटीज आएगा इन फ्यूचर। अभी कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ लगाया ही नहीं है। ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको जिम वगैरह कुछ मिलता है और इस साइड में रहेगा अपना जिम वगैरह। आप देख सकते हो अभी खाली स्पेस है, थोड़ा काम चालू है। इस साइड में अपना सोसाइटी ऑफिस वगैरह रहेगा और यहाँ पे अपना सोसाइटी ऑफिस रहेगा दोस्तों, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इस साइड में भी कुछ आएगा उनका फ्यूचर में। अभी तो कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट है और जो फ्लैट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और अपना जो बिल्डिंग है G+13 का टावर है और जो मार्बल यूज़ किया है जो लॉबी के अंदर वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप देख सकते हो जो पैसेज एरिया में जो मार्बल यूज़ किया है वो भी काफ़ी बढ़िया लगा। बिल्डिंग के अंदर आपको पैसेज एरिया में 2 टाइप के टाइल्स मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़िया जो टाइल्स कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अलग बना देता है एक प्रोजेक्ट को। एक फ्लोर पे आपको 4 फ्लैट मिलते हैं बैक फेसिंग में, 2 BHK 1 BHK। अभी यहाँ पे 1 BHK ऑलमोस्ट सभी सेल हो चुके हैं। अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बस 2 BHK के बारे में। और फ्रंट फेसिंग में भी आपको 1 BHK 2 BHK तो ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको अगर जोड़ी फ्लैट लेना है तो जोड़ी फ्लैट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 BHK एंड 1 BHK। तो हम इस वीडियो के अंदर बस आपको 2 BHK के बारे में बताने वाले हैं। तो ध्यान से आप वीडियो देख लीजिए, स्किप मत कीजिए। तो स्किप नहीं करोगे तो आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर समझ में आ जाएगी। फ्लैट के सामने हमें काफ़ी अच्छा स्पेस यूटिलाइज करने के लिए मिलता है। इस साइड में 1 BHK का फ्लैट रहेगा और सामने अपना 2 BHK का फ्लैट है। तो इंटर करते हैं सबसे पहले हम हमारे हॉल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको हॉल मिलता है एल टाइप का हॉल मिलता है। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो फ्लैट दिखा रहा हूँ वो टेरेस वाला फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है। तो यहाँ पे आपको टेरेस वाला फ्लैट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो फ्लैट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको सेम ही फ्लैट आपको मिल जाएगा। बस उसको बालकनी रहेगा और इस फ्लैट को टेरेस आपको दिखाई देगा वीडियो के अंदर। बट आपको जो फ्लैट कंसिडर करना है वो अपना टेरेस के अंदर से ही, आपको यहाँ पे ऊपर वाले फ्लैट को यहाँ तक अपना बालकनी मिलता है दोस्तों। टेरेस को कंसिडर मत करो, यहाँ पे अभी टेरेस फ्लैट अवेलेबल नहीं है। फ्लैट का जो साइज है, जो एरिया है, आपको 1135 का एरिया आपको यहाँ पे मिलता है। काफ़ी स्पेसियस लगा मुझे हॉल। और सीलिंग हाइट की बात करेंगे तो लगभग आपको 9.5 के आसपास आपको सीलिंग हाइट मिल जाती है। और हॉल का जो साइज़ है, जो विड्थ है, लंबाई चौड़ाई, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आप देख सकते हो अगर टाइल्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी लंबाई काउंट करेंगे तो 16 आपको यहाँ पे लंबाई मिलेगी। अगर हम ऐसी चौड़ाई काउंट करेंगे तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 10x16 का लंबा सा हॉल, लंबा चौड़ा हॉल आपको यहाँ पे मिलता है।
सामने आपको जो ओपन स्पेस दिखाई देता है यहाँ पे अपना किचन रहेगा, इस साइड में अपना एंट्रेंस है, मेन डोर का एंट्रेंस, और यहाँ पे अपना रहेगा किचन। आप किचन देख सकते हो, वन साइडेड प्लेटफॉर्म है, वॉल टू वॉल आपको यहाँ पे टाइल्स मिलता है, टाइल्स भी जो है वो काफ़ी अच्छा इन्होंने यूज़ किया है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो किचन का साइज़ मिलता है वो भी हम काउंट करके देखेंगे, 1, 2, 3 और थोड़ा बहुत स्पेस है, ऐसा 6 काउंट करेंगे, और लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 10x6 का आपको यहाँ पे किचन मिलता है। अटैच आपको काफ़ी बड़ी बालकनी भी आपको यहाँ पे मिलती है। आप देख सकते हो जो बालकनी है दोस्तों पूरी बेडरूम को और अपने किचन को अटैच मिलती है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बहुत सारे बिल्डिंग में ऐसा कम देखने के लिए मिलेगा जो अटैच कॉमन बालकनी जो रहती है यहाँ पे, इस बिल्डिंग के अंदर आपको कॉमन बालकनी आपको यहाँ पे मिलती है। तो बालकनी भी काफ़ी बड़ी है, लगभग आपको जो बालकनी है 4x और लंबाई तो बहुत ही है इसका, तो ऐसा चौड़ाई की बात करेंगे तो 4 फीट की आपको चौड़ाई आ जाती है। यहाँ पे जो फिटिंग्स वगैरह यूज़ की है वो भी काफ़ी अच्छे ब्रांडेड क्वालिटी की है, वॉश बेसिन भी काफ़ी बड़ा है, जो मार्बल्स वगैरह यूज़ किया ग्रेनाइट मार्बल वो भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अगर यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाना है किचन का जो भी, तो काफ़ी अच्छा बना सकते हो यहाँ पे, 1, 2, 3 कंपार्टमेंट, और यहाँ पे अपना वॉश बेसिन वाला नीचे का कंपार्टमेंट रहेगा, तो काफ़ी बड़ा आपका मॉडुलर किचन बन जाएगा, क्योंकि साइज जो है वो काफ़ी लंबाई में 10 फीट है और ऐसे चौड़ाई में आपको 6 फीट मिलता है, हाइट भी काफ़ी अच्छे है, तो ऊपर से भी आप काफ़ी अच्छा अपना किचन डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ से आपको मिलेगा अपना हॉल किचन के सामने है, तो यहाँ पे आप अपना डाइनिंग स्पेस भी यहाँ पे बना सकते हो। सामने आपका एक कॉमन वॉश बेसिन है, यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा कॉमन वॉश बेसिन है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, अभी उसी के लिए टाइम लगेगा, इसे लगभग आपको जो फाइनल टचअप वगैरह चालू है उसी का ही चालू है। अभी जो बेडरूम साइज़ है, इस साइड में अपना एक बेडरूम रहेगा और इस साइड में अपना एक बेडरूम रहेगा, और जो बीच में हमारा जो दिखता है यहाँ पे अपना कॉमन टॉयलेट बाथरूम रहेगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, अभी बादल भी बहुत सारे एकदम इकट्ठा हो चुके, तो अंधेरा हो चुका है, तो यहाँ पे आपको जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलता है वो भी काफ़ी स्पेशियस है। आप देख सकते हो पीछे आपको एक डक एरिया भी यहाँ पे मिल जाएगा, आफ्टर ओसी इसका कुछ काम करके आपको थोड़ा ये जो डक एरिया है थोड़ा ऊपर लेके आपका ये काफ़ी अच्छा इसका यूटिलाइज आप कर सकते हो। दोस्तों जो स्पेस है बाथरूम के अंदर वो भी काफ़ी अच्छी है, चौड़ाई की बात करेंगे तो लगभग आपको 4 फीट की चौड़ाई मिलती है, और ऐसी लंबाई की बात करेंगे तो आपको 1, 2, 3 और 4 लगभग आपको 8 फीट का, 7 फीट का आपको ऐसी लंबाई मिलेगी, 4 फीट का आपको ऐसा चौड़ाई मिलेगी। अभी बात करते हैं दोस्तों अपने इस साइड में जो बेडरूम आपको दिखाई दे रहा है वो कॉमन बेडरूम रहेगा। बेडरूम के अंदर का जो आपको स्पेस मिलता है अटैच, जैसे मैंने बोला किचन को अटैच आपका यह बालकनी है, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अगर काउंट करेंगे टाइल्स 1, 2, 3, 4, 5 10 की ऐसे आपको लंबाई मिलेंगे, और चौड़ाई की बात करेंगे तो ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग आपको 10x11 का आपको कॉमन बेडरूम मिलेगा। सीलिंग हाइट जैसे मैंने बोला 9.5 के करीब है। जो आपका स्लाइडिंग जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, चौड़े चौड़े स्लाइडिंग विंडोज मिलते हैं, और अटैच आपको जो किचन और बालकनी जो है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको कम मिलेगा ऐसा देखने के लिए। आप देख सकते हो जो बालकनी की जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ऐसा अटैच बालकनी आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों अभी चलते हैं अपना मास्टर बेडरूम देखने के लिए, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो लोग उल्वे के अंदर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, नवी मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि हमने सबसे पहले अपना हॉल देखा, बाद में अपना किचन देखा, कॉमन टॉयलेट बाथरूम देखा, कॉमन बेडरूम देखा, अभी हम देखते हैं अपना मास्टर बेडरूम। तो चलिए एंटर करते हैं अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले हम टाइल्स काउंट करेंगे तो आपको एरिया कितना मिलता है उसका एक अंदाज़ा आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 6 लगभग आपका जो टाइल्स है ये पूरा 12 ऐसी लंबाई मिलेगी आपको। अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये थोड़ा सा टाइल्स कम लगा, लेकिन आपको जो मिलता है जो एरिया लगभग 11x12 का मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो चौड़ाई
बॉक्स टाइप का मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम के अंदर जो टॉयलेट मिलता है वो भी काफ़ी आपको बड़ा मिलता है। अभी देख सकते हैं इसका जो टाइल्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे अट्रैक्टिव करता है। बाथरूम के अंदर ही आपको यहाँ पे और एक वॉश बेसिन मिलता है। अभी इसकी साइज़ की बात करेंगे तो लगभग आपको 1, 2, 3, 7 बाय 4 तक यहाँ पे टॉयलेट मिलता है मास्टर बेडरूम के अंदर। तो मास्टर बेडरूम का भी साइज़ की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी लगे। और ये जो फ्लैट है अगर आप हायर फ्लोर पे लेते हो ना दोस्तों, तो आपको कंप्लीट सी व्यू यहाँ से दिखाई देगा दोस्तों। सी वुड का मतलब आपको थोड़ा क्रीक व्यू दिखाई देगा। यहाँ पे NRI जो प्रोजेक्ट है NRI सी वुड का, तो क्रॉस व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि सामने जो सेक्टर आपको जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे सेक्टर 22 है, वो जो सेक्टर है अभी अंडर सिडको के अंडर ही है, वहाँ पे अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट आएंगे वो आप सिडको के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे कहते हैं कि एजुकेशनल प्लॉट आने वाला है, लेकिन आप फिर भी चेक करके आप अपना जो प्रॉपर्टी अगर लेना है तो पूरा इंक्वायरी करके देख के आप लेना है दोस्तों। अभी यहाँ पे भी आपको अगर मास्टर बेडरूम की बात करेंगे तो हायर फ्लोर पे आप जाओगे तो और इवन बालकनी मिलेगी। तो आपको बालकनी जो है वो 2 फीट या 4 फीट की आपको यहाँ पे ऊपर जैसे दिखाई दे रही है, उस टाइप की आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाएगी दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, और अपने फैमिली मेम्बर में भी आपको अगर लगता है कि कोई फ्लैट अगर ले रहा है पुलवे के अंदर, नई मुंबई के अंदर, तो उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल वीडियो होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिए दोस्तों।